देखिए आज इसमें देखिए हमारी ये पहली मीटिंग है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने हम 10 तारीख को मीटिंग करते हैं। इस समय जितने भी जो हमारे वेटरन्स हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी एक ही समस्या है जो कि 20 फरवरी 2023 से लेकर के हम कंटिन्यूस दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो सेंट्रल बॉडी है फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन, उसके जो प्रधान हैं, उन्होंने ये 23 जुलाई 2023 को दिल्ली चलो की कॉल दी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे हमारी वीर नारियां हैं, जो भी इसके साथ ORP2 के साथ रिलेटेड है, उन सभी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप सभी जितना हो सके अपने घर के काम काज को छोड़ करके 23 तारीख को जो हमारे सेंट्रल बॉडी ने कॉल दी है वहां चले, ताकि हम उसको कामयाब करें। मैं इसके संदर्भ में आज एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो हमारे संत रहे हैं कबीरदास जी, उनका मैं एक दोहा यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, बल में प्रलय हो जाए बोर करेगा कब। मेरा ये कहने का मतलब है कि आज जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, अपने घरों में जो बैठे हुए हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो ये कभी भी अपने दिमाग में या दिल में ये ना बिठाएं कि यार ये जा रहे हैं, आज चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम कल देखेंगे। अरे कल किसने देखा है? ये हमारे शास्त्र, ये हमारे जितने भी युग हुए हैं, चाहे त्रेता हुआ है चाहे द्वापर हुआ है, उसकी मिसालें हैं कि भगवान श्री राम को जब ये कल सुबह जो राजतिलक मिलना था और रात को ही उनको वनवास मिल गया। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम कल देखेंगे या अगला जो प्रोग्राम आएगा या अगली कॉल आएगी उसमें देखेंगे, तो कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। ये एक मौका है, ये एक चांस है, आज जो हमारे पास सुनहरा मौका है, अगर आज हम इकट्ठे होकर के नहीं चले तो कल ये दिल में और आदमी की आत्मा में ये पछतावा रहेगा कि हो सकता था यार अगर मैं उस दिन चला जाता तो अच्छा होता। ताकि आदमी गर्व के साथ अपने पूरे इत्मीनान के साथ कहीं भी सोसाइटी में बैठता है, कहीं भी समाज में बैठता है, तो वो अपनी बात को रख सकता है कि जब हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने किसी लड़ाई को लेकर के आगे चले थे तो हम भी उसमें शामिल थे। अरे हम तो फौजी हैं, अगर हम बॉर्डर में नहीं डरते थे, -20-30 डिग्री टेम्परेचर में नहीं डरते थे, चाहे 50+ का टेम्परेचर हो वहां नहीं डरते थे, तो आज हमें क्या हो रहा है? आज क्यों नहीं हम घरों से निकल रहे हैं? तो मैं इसलिए दोबारा सभी से, जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, उससे मैं यही पुरजोर विनती करता हूँ, अपने दिल से आत्मा से जो मैं विनती करता हूँ, अगर हम इतने बुजुर्ग हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं 85 साल की उम्र में ये सबसे पहले नाम लिखा रहे हैं कि मैं दिल्ली चलूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इनसे जो कम उम्र वाला है अगर अपने घर में बैठा है तो मैं उसके लिए शब्द भी नहीं है कि मैं क्या बोलूं। और मैं सबसे ज्यादा आपका मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हर बार हमारे पास आते हैं और हमारी आवाज को जन जन तक और गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैप्टन पठानिया, सर्वप्रथम मेरी सभी को जय हिंद, जय श्री राम। देखिए माननीय रक्ष महोदय ने, मनोज सिंह ने बड़ी विस्तारता के साथ, विनम्रता के साथ उन्होंने जो बखान किए हैं सभी को, एक्सेप्ट मैन को, वीडियो बार वीडियो को, ये कर्म का है, इसी पार्ट ऑफ द कर्मा, जिसको भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है कि ये कर्म है, कर्म कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ देख सकता तुम हो। उन्होंने अर्जुन को एक ही बात पर जोर दिया था कि अर्जुन तू मेरा सखा भी है मित्र, बट मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कर्म करो, अच्छे अच्छे करो ताकि अच्छे से अच्छा हो जाए। तो मेरी सभी बंधुओं को प्रार्थना रहेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारे प्रयास रहेंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 84-85 साल का, मैं तो हमेशा बुलंदे रहता हूँ, प्रधान साहब मुझे बाकी वाले भी नहीं, आपके जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा सौभाग्य सभी आदमियों को, व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता कि इस उम्र में मैं इस किस्म का फील कर रहा हूँ कि सही जो मेरा जीवन का सफ़र है
वो अभी चालू हुआ है, अभी जो जीवन का सभी आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे से जी। ये हमारे शास्त्रों का मत है कि अगर आए हैं तो हमने जाना, आए हैं तो हम कोई ऐसा कर्म करके जाएं कि जिसके द्वारा हमें कोई बांध कर नहीं ले जाए। व्यक्ति को हमारे शास्त्रों में जैसे कि 28 नरकों का सामना करना पड़ता है, बट ऐसे कर्म करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बड़े शॉर्ट रूप में जाते हैं और जरूर भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देते हैं। तो मेरे सभी बंधुओं को आप लोगों के माध्यम से विनती रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि ये इस मौके को नहीं खोएं, क्योंकि अति शीघ्रता बरतें, क्योंकि 23 को हमने वहाँ सुबह पहुँचना है, वहाँ 23 को शाम को ही हम वहाँ से वापस हो जाएं। और 24 एकमात्र एक दिन का सवाल है, एक दिन का सवाल है, एक दिन में आपका जीवन सार्थक हो सकता है, एक दिन में औरों का जीवन सार्थक हो सकता है, एक दिन के आपके कष्ट तो है ही नहीं, बट अगर एक दिन आप लोगों के लिए निकालोगे, पर ही तो सर्स धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। अगर हम आदमी हैं, इस धरा के ऊपर मानव बनकर आए हैं, तो इस धरा के ऊपर आने का यही मतलब है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। अगर हम किसी को पीड़ा नहीं समझते हैं, पर हित कोई कार्य नहीं करते हैं, फिर लास्ट में मैं बोलूँगा एक और, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है, उन्होंने बड़े संक्षेप में बताया, मतलब कितनी उनकी एक सोच थी, मतलब ये व्यक्ति को जो चाहिए पर दुखे उपकार करे, मानव जन कहने के लिए जो पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो, बट मन अभिमान ना ले। तो मेरी विनम्र विनती है, प्रार्थना है कि ये जो समय है इसको अपने हाथ से नहीं जाने दे, क्योंकि समय हमेशा प्रतिकूल नहीं होता, अनुकूल भी होता है, बट